हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोगली का नाम सुनते ही आप सभी के जहन में बचपन की यादें ताजा हो जाती होंगी। एक ऐसा बच्चा जो जंगल में रहता है, जो जानवरों से बात कर सकता है। भारतीय पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाला ये कार्टून कैरेक्टर हम सभी के दिल में एक खास स्थान रखता है। इसके कहानी के मुख्य किरदार मोगली पर आधारित अभी तक बहुत सी फिल्में, कहानियां और कार्टून बन चुके हैं। हालांकि इस कार्टून कैरेक्टर को लेखक रुडियार्ड किपलिंग ने पहली बार 1894 में द जंगल बुक नाम की एक रचना में प्रस्तुत किया था। लेकिन आप में से बहुत से लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि मोगली का ये किरदार ऑथर रुडियार्ड किपलिंग पूरी तरह से फिक्शनल ना होकर एक असली इंसान पर आधारित था। आज का हमारा ये वीडियो उसी रियल मोगली पर आधारित है जिसे हम कार्टून और अन्य किस्से कहानियों के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस रियल मोगली के बारे में। सन 1867 में यूपी के बुलंदशहर में स्थित जंगलों में शिकारियों के एक ग्रुप को एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। उन्होंने देखा कि भेड़ियों के एक झुंड के बीच में एक लगभग 5-6 साल का बच्चा बैठा हुआ था, लेकिन वो भेड़िए उस बच्चे को हानि नहीं पहुंचा रहे थे। वो बच्चा उन भेड़ियों के साथ ऐसे खेल रहा था मानो वो किसी इंसान के साथ खेल रहा हो। शिकारियों के इस ग्रुप ने बच्चे को भेड़िए से अलग करने का फैसला किया और भेड़ियों के झुंड पर हमला बोल दिया। उन्होंने उस गुफा को भी आग लगा दी जिसमें कुछ भेड़िए जाकर छुप गए थे। इस हमले में एक भेड़िए को मार गिराया गया और काफी मशक्कत करने के बाद उस बच्चे को भेड़ियों से अलग कर दिया गया। शिकारियों ने बाद में इस बच्चे को आगरा के सिकंदरा मिशन ऑर्फनेज में दे दिया ताकि उस बच्चे की ठीक तरह से देखभाल की जा सके। लेकिन अनाथालय को इस तरह के बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए इसका कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ इस बच्चे को नाम दिया गया दीना सनीचर। दीना सनीचर यूं तो अनाथालय के बाकी बच्चों के साथ ही रहता था, लेकिन वो बाकी बच्चों से काफी अलग था। वो बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था, सिर्फ जानवरों की तरह आवाज निकाल कर अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता था। वो अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके बिल्कुल किसी चार टांगों वाले जानवर की तरह चला फिरा करता था और जमीन पर गिरे पानी को भी जीभ से चाट चाट कर पिया करता था। किसी ग्लास या कप में पानी दिए जाने पर दीना ये समझ नहीं पाता था कि उसका क्या करना है। वो सिर्फ और सिर्फ कच्चा मांस या मछली ही खाया करता था। दीना ने शुरुआती कई सालों तक पके हुए खाने को छुआ तक भी नहीं था और खाना परोसे जाने पर किसी जानवर की ही तरह सीधा थाली में मुंह डालकर खाने को खाता था। उसकी इन हरकतों से यह साफ पता चलता था कि दीना काफी दिनों से जंगल में रह रहा था और वहां उसे जानवरों ने ही पाल पोसकर बड़ा किया था। अनाथालय के लोगों ने दीना को फिर से इंसानों जैसा बर्ताव सिखाने की भरसक कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। मसलन सालों के प्रशिक्षण के बाद दीना पका हुआ खाना खाना तो सीख गया, लेकिन खाने को खाने से पहले किसी जानवर की तरह खाने को सूंघने की दीना की आदत को वो लोग कभी बदल नहीं पाए। इसके अलावा अनेकों प्रयासों के बावजूद दीना कभी भी बोलना नहीं सीख पाया। वो हमेशा से ही जानवरों जैसी आवाजें निकाला करता था और इन्हीं आवाजों के जरिए लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश किया करता था। दीना 12 साल की आयु तक आते आते कपड़े पहनना और दो पैरों पर चलना तो सीख गया, लेकिन वो तब भी सोते वक्त भेड़ियों की जैसी पोजीशन में ही सोया करता था। अपनी छोटी सी जिंदगी में दीना इंसानों वाले बहुत कम ही गुण सीख पाया और हजारों कोशिशों के बावजूद वो अपनी जंगली प्रवृत्ति को पूरी तरह बदलने में कामयाब रहा। मसलन जीते जी उसने किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। उसने कभी किसी इंसान के प्रति किसी भी तरह का लगाव नहीं दिखाया। हालांकि अनाथालय में रहने वाले एक कुत्ते से उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। वो दिन भर उसी कुत्ते के साथ रहना और खेलना पसंद करता था। इसके विपरीत दीना में इंसानों जैसी कुछ बुरी आदतों ने भी जन्म लिया, जैसे कि धूम्रपान करने की आदत। वो धूम्रपान करने का इतना आदी हो चुका था कि आखिरकार इसी के कारण 35 साल की आयु में दीना की मौत हो गई। और अपने जाने के बाद भी दीना हमारे लिए कुछ सवाल छोड़ गया। सवाल ये कि आखिर दीना उन भेड़ियों तक पहुंचा कैसे। सवाल ये कि इंसान, जिसे हम सोशल एनिमल के नाम से भी जानते हैं, क्या इंसानी परिवेश के अभाव में आजीवन जंगली प्रवृत्ति को अपनाया जा सकता है। और सवाल ये कि यदि कोई जानवर इंसान को अपना शिकार समझे बिना उसे अपने बच्चों की तरह पाल कर दरियादिली का उदाहरण दे सकता है, तो हम इंसान जानवरों के साथ ऐसी दरियादिली क्यों नहीं दिखा सकते। आप में से कितने लोग इस वीडियो से पहले इस फैक्ट को जानते थे कि जिस मोगली को आपने आज तक पर्दे पर देखा है वो वास्तव में हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मी दीना सनीचर नाम की एक सच्चाई है।
अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए लेंगे आपसे इजाज़त और फिर लौटेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।